हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपने किचन गार्डन का कुछ व्यू दिखाने वाली हूँ। मैंने अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में कुछ चिली के पौधे लगाए थे और देखिए, चिली के प्लांट में इतने सारे मिर्ची लगी है। पूरा जो प्लांट है ना, मिर्च से भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी इस तरह से अपने किचन गार्डन में चिली के कुछ पौधे लाकर लगा सकें और उससे ऐसे मिर्च ले सकें। क्योंकि मिर्च एक ऐसा प्लांट है जो पूरे साल हमारे किचन में यूज़ होता है, सालों साल इसकी ज़रूरत होती है। और ये ऐसा प्लांट भी है कि सालों साल इसमें मिर्च लगती भी है। तो ये जो मिर्च का प्लांट है, हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। प्लांट आप हर तरह के लगाते हैं, फ्लावर प्लांट, शो प्लांट, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जरूर लगाइए जो यूज़फुल भी होते हैं, जिसकी हमें नीड होती है। तो यही सोचकर मैंने अपने गार्डन में चिली के प्लांट लगाए हैं और इस प्लांट ने मुझे खुश कर दिया। देखिए, हर एक ब्रांच में ना बहुत सारी चिली लगी हुई है और देखिए इस तरह से ये रेड भी होने लगी है। देखिए, काफ़ी सारी चिली रेड हो रही है। तो अब मैं इसे तोड़ने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले इसकी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों से दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसको तोड़ के अपने किचन में यूज़ करूँगी। बिल्कुल फ्रेश चिली है और आपको पता होगा चिली में विटामिन सी भी होता है, तो अगर हम इसे कच्चा भी खाने के साथ खाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इसे सब्जी में फ्राई करके भी खा सकते हैं और कच्चा भी एज अ सलाद आप इसे खाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी हेल्थ के लिए। तो ये चिली का प्लांट है। अब देखिए, इसे मैंने दो पॉली बैग में ग्रो किया है। ये पॉट में भी नहीं है, उसके बाद भी इतनी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, इतनी ग्रीनरी दे रहा है और ढेर सारे मिर्च इसमें लग चुके हैं। तो इसको लगाने का जो तरीका है ना, वो बेस्ट है। प्रॉपर तरीके से मैंने इसकी केयर की है, इसलिए इस पॉली बैग में होते हुए भी इसने मेरे गार्डन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए मैं इसकी कंप्लीट केयर बताती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से आप अपने गार्डन में चिली ग्रो कर पाएंगे और उसे हार्वेस्ट करके अपने किचन में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट आज मैं इसकी केयर बताती हूँ। देखिए, ये मिर्च के पौधे फ्रेंड मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। मुट्ठे के हिसाब से मिलता है, एक मुट्ठा जो पौधा होता है ना, वो 10 रुपये में मिलता है और उसमें 10 पौधे रहते हैं, तो इतना चीप है। तो इसे हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही ला के लगाया था, मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैंने 2-4 पौधे अपने गार्डन में ऐड किए थे, बाकी फ्रेंड को शेयर कर दिया था कि वो भी अपने गार्डन में ऐड कर लेंगी। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉली बैग है और यहाँ पर एक पॉली बैग है, इसमें 2 पौधे लगाए हैं, यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है। ये तो देखिए, ये इसमें भी इतने सारे चिली लगे हैं, पूरा जो प्लांट है ना चिली से भरा हुआ है। तो पॉली बैग में लगाया है, इस तरह से आप किसी DIY बड़े से कंटेनर में, पॉट में लगा सकते हैं, पॉली बैग में लगा सकते हैं और जो गार्डन में पॉट होते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता, बस टाइम टाइम से इसकी केयर करते रहिए जैसा मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो आपके गार्डन में ये चिली बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा और इस तरह से इसमें चिली लगती रहेंगी। तो चलिए मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसे कैसे लगाया था। सबसे पहले जब मैं मिर्च के पौधे लाई थी, तो इस पॉली बैग में अच्छा सा सॉइल मिक्सचर भर के मैंने वो पौध लगाई थी। पौध लगा के अगर पॉसिबल हो तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, और अगर आप बड़े से कंटेनर में लगाते हैं तो इवनिंग टाइम में लगाइए। इवनिंग टाइम में जब हम किसी भी तरह की पौध लगाते हैं, चाहे वो फूलों के पौधे हैं, चाहे वो वेजिटेबल के हैं, चाहे फ्रूट्स के, तो अगर इवनिंग में लगाते हैं और उसमें वाटरिंग कर देते हैं तो पूरी रात में वो अच्छे से स्टैंड कर लेता है। तो मॉर्निंग में लगाने की गलती ना करें। मॉर्निंग में अगर आप पौध लगाते हैं ना, तो धूप हो चाहे ना हो, वो झुलस जाते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर उन्हें स्टैंड करने में टाइम लग जाता है, लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी भी तरह के पौध आप मार्केट से लाके अपने पॉट में लगाते हैं, गार्डन में ऐड करते हैं, तो इवनिंग का टाइम बेस्ट होता है। इवनिंग में मैंने लगाया था और वाटरिंग कर दी थी, तो रात भर में ये प्लांट पूरी तरह से स्टैंड करके मॉर्निंग में ऐसे लग रहा था जैसे ही काफ़ी दिनों से लगा है, बिल्कुल हरियाली सी आ गई थी, ग्रीनरी दे रहा था, फ्रेश लग रहा था। तो अगर आप इवनिंग में पौध लगाते हैं तो चाहे धूप में भी अगले दिन रख देंगे तभी वो बहुत इजीली सर्वाइव कर जाएगा। अगर पौध छोटा है तो 1-2 दिन के लिए आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, उसके बाद आप उसे डायरेक्ट सन में रख सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो इस तरह से पौध ला के लगानी है। सॉइल मिक्सचर कैसा लिया था मैंने, किसी भी तरह का पौध हो ना, अगर इसमें एक्सेस वाटर करते हैं तो हमेशा प्लांट मर जाता है, रूट रोट कर लेता है, इसके रूट्स में फंगस लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वेल्ड्रन सॉइल लेके तैयार करना है। एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे, उसमें वेल्ड्रन होने के लिए एक हिस्सा रिवर सैंड मिक्स कर देंगे, और पौधे की प्रॉपर ग्रोथ हो उसके लिए एक बार सॉइल में अच्छे से कंपोस्ट ऐड कर देंगे, यानी कि 1/3 की रेशियो में ये सॉइल मिक्सचर आपको लेना है और उसमें पौध को लगा देना है। उसके बाद प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरह से पौध लगानी है, सॉइल मिक्सचर लेना है। उसके बाद अगर हम सनलाइट की बात करें तो जो मिर्च के पौधे होते हैं ना, उन्हें फुल डे के
सनलाइट चाहिए। जितना अच्छा सनलाइट देंगे उतनी ही ज़्यादा चिली आपके प्लांट में लग के आएगी। जैसे मेरे प्लांट में लग रही है ना, तो मैं बताऊँ मैंने इसे टेरिस पे रखा हुआ है, छत पे रहता है ये, पूरे दिन की धूप इस पे पड़ती है इसलिए इतनी अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है और हर एक ब्रांच में मिर्च भी लगती जा रही है। तो आपको इसे फुल डे की सनलाइट में रखना है। अगर आपके गार्डन में फुल डे की सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट ज़रूर देनी है। अगर आपने इससे कम लाइट दी तो क्या होगा, प्लांट हरा भरा रहेगा, ग्रीनरी देगा, लेकिन उसमें चिली ज़्यादा से ज़्यादा लग के नहीं आ पाएंगी। धूप की वजह से ही इसमें इस तरह से चिली लगती हैं। तो ये आपको काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में इसको रखना है। मैंने भी ऐसा ही किया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ वाटरिंग। वाटरिंग आपको लिमिटेड करनी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेल्ड्रेन सॉइल लेनी है, तो वेल्ड्रेन सॉइल लेने के बाद भी आपको लिमिटेड वाटरिंग करनी है। जैसे आजकल बारिश का महीना चल रहा है तो मैंने इसे खुली बारिश में रखा है, तो बारिश का पानी तो फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, तो इसमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है और ये जो है बहुत सारी चिली प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो बारिश का पानी प्लांट को जितना भी मिल जाए प्लांट ख़राब नहीं होता। जितनी भी बारिश हुई ना, जून जुलाई अगस्त 3 महीने से जो बारिश हुई है, वो सारे बारिश के पानी इस पेड़ पर पड़ता रहा और देखिए प्लांट ख़राब नहीं हुआ। तो जब खुद से वाटरिंग करेंगे तो लिमिटेड करेंगे, जब सॉइल ड्राई दिखेगी तब आप उसमें वाटरिंग कर देंगे। सॉइल में हल्का सा नमी बना हुआ है तो वाटरिंग को स्किप कर देंगे। तो इस तरह से वाटरिंग करना है। लेकिन हम बात करेंगे कंपोस्ट की। कंपोस्ट इसे बहुत अच्छा सा देना पड़ता है, लेकिन कब देना पड़ता है, स्टार्टिंग में जब आपने प्लांट रिपोर्ट किया है उस समय ही सॉइल मिक्सचर में 1/3 की रेशियो में अच्छा सा कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और जब एक राउंड की इस तरह से मिर्ची आप पूरे प्लांट से निकाल लेते हैं तो क्या होता है, प्लांट दोबारा से ग्रोथ करता है, न्यू ब्रांचेस बन के आती हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। तो उस टाइम पे चाहें तो 2 से 3 महीने की गैप पे दोबारा आप इसमें सॉइल की गुड़ाई करके थोड़ी कम क्वांटिटी में कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो प्लांट और दोबारा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च लग के आएंगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैं इसमें जितने भी चिली है ना उनको यूज़ कर लूँगी, सॉइल की गुड़ाई करूँगी, थोड़ा सा इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोड यानी पत्तियों की जो खाद होती है वो इसमें ऐड कर दूँगी और दोबारा से इसे सनलाइट में रखूँगी और इसमें वाटरिंग करती रहूँगी टाइम टाइम से। तो प्लांट क्या होगा, अभी समर में भी ग्रोथ कर रहा था, चिली दे रहा था, अब ये विंटर में भी चिली देता रहेगा। बस हमें इस तरह से 2-3 महीने की गैप पे इसमें जो कंपोस्ट है वो ऐड करते रहना है और अच्छी सी सनलाइट देनी है। तो अब लास्ट में मैं बता दूं, कई बार मिर्च के पौधे पे पेस्ट का अटैक हो जाता है। इसमें किस तरह के पेस्ट लगते हैं, जब इसमें पेस्ट लगते हैं ना तो जो आपको ये लीव्स दिख रही है ये ऐसे रोल बनने लगता है, मतलब लीव्स जो ऐसे टेढ़ी सी होने लगती है तो उसको बोलते हैं कर्ल होना। जो इसकी लीव से कर्ल होने लगती है वो सिम्टम होता है पेस्ट लगने का। जब भी आपको दिखे कि आपके मिर्च के पौधे में इस तरह से खुली खुली पत्तियां नहीं आ रही हैं बल्कि वो इस तरह से रोल हो रही हैं, ऐसे पूरा रोल हो जाता है, तो आपको उस पर फटाफट किसी पेस्टिसाइड या जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे करना है ताकि जो भी पेस्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाए और दोबारा से आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करके इस तरह से चिली प्रोड्यूस करता रहे। तो ये है पेस्ट को रिमूव करने का तरीका। आपको हमेशा नोटिस करते रहना है, बहुत बार चिली के प्लांट पे ये कर्ल वाली जो डिजीज़ होती है ना वो लग जाती है, पत्तियां उसकी कर्ल होने लगती है। तो मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अपने गार्डन में चिली के प्लांट ऐड कर पाएंगे, उसकी केयर कर पाएंगे और इस तरह से चिली से हार्वेस्ट कर पाएंगे। बस ये थी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, चिली को ग्रो करने का तरीका। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के प्लांट की केयर प्रोपोगेशन वीडियो अपलोड है जिसे देखकर आप अपने गार्डन में घर बैठे गार्डनिंग कर सकते हैं। जल्दी किसी नए टॉपिक पे मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।